राजनीति के आंगन से जुर्म की दुनिया तक, ग्रामीण इलाकों से शहर की गलियों तक, प्रदेश की हर छोटी बड़ी खबर से करेंगे आपको रूबरू। बिहार में पूर्ण रूप से शराबबंदी लागू है, परंतु आए दिन जहरीली शराब पीने से लोग की मौत होती रहती है। हालांकि प्रशासन की तरफ से लगातार शराब तस्करी पर रोक लगाने का प्रयास भी होता रहता है, फिर भी बिहार राज्य में धड़ल्ले से शराब की बिक्री हो रही है। वही अब आए दिन सोशल मीडिया पर शराब बेचने का एक वीडियो काफी तेजी से वायरल हो रहा है। यह वीडियो सिवान के गुड़नी थाना क्षेत्र की जतौर बाजार का बताया जा रहा है। मिली जानकारी के अनुसार जतौर बाजार में दो लोगों के बीच विवाद हो रहा था, जिसमें एक युवक साइकिल में टंगी थैली से शराब की बोतलें जमीन पर फेंकते हुए साफ साफ दिखाई दे रहा है। वही बाजार में भीड़ सूचना मिलने के बाद जमीन पर फेंके शराब पर टूट पड़ती है और देखते ही देखते लोगों द्वारा सैकड़ों शराब की बोतलें लूट ली जाती है। आपको बता दें कि इस मामले की सूचना मिलते ही स्थानीय ग्रामीणों, दुकानदारों और राहगीरों ने बताया कि जतौर बाजार में दोनों आरोपियों द्वारा खुलेआम शराब की बिक्री की जाती है, लेकिन कुछ विवाद के चलते दोनों में आपसी मतभेद हो गया, जिसके बाद शराब को लेकर शनिवार को बाजार में अफरा तफरी मच गई। वहीं पुलिस का कहना है कि घटना की सूचना मिलने के बाद आरोपित के दुकान की गहनता से तलाशी ली गई, जिसमें पुलिस को शराब की खाली बोतलें मिली हैं। वहीं इस संबंध में थाना अध्यक्ष रणधीर कुमार का कहना है कि पुलिस एक आरोपित के खिलाफ FIR दर्ज कर ली है, वहीं इस घटना में शामिल दूसरे आरोपित को गिरफ्तार कर लिया है। उनका कहना है कि घटना के बाद पुलिस मौके पर तुरंत वहां पहुंच गई थी। वहीं ग्रामीणों ने पुलिस पर कारोबारियों से साठगांठ का आरोप लगाया है और यह स्पष्ट किया है कि पुलिस की लापरवाही से शराब कारोबारियों के हौसले बुलंद हैं और पुलिस की मिली भगत से थाना क्षेत्र में खुलेआम शराब की बिक्री की जाती है। नमस्कार, मैं सुमन कुमार गुट्टी थाना के जतौर ग्राम से बिलोंग करता हूं। चलिए मैं दिखाता हूं, जतौर बाजार में एक जगह शराब बिक रहा है, मैं उसको आपको लाइव में दिखाऊंगा। चलिए चलते हैं। शराब, कोई व्यक्ति भगत शराब बेच रहा है,